हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो टेक महिंद्रा का जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। राउंड वन के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर राउंड वन राउंड टू क्या है, तो इस बार टेक महिंद्रा के जो हायरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज पे है। एंड आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके दो राउंड होने वाले हैं, राउंड वन एंड राउंड टू। तो अगर राउंड वन अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका यहाँ पे डिफरेंट सिटीज होगा, जो होगा आपका 3.25 LPA। एंड अगर आपका राउंड टू आपने क्लियर किया, राउंड टू के बाद आपका CTC यहाँ पे होगा 5.5 LPA। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी CTC हैं। राउंड वन के लिए आपका है 3.25 लगे, लाइक अगर आपने ओनली राउंड वन क्लियर किया तो आपका 3.25 CTC होगा। राउंड टू अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका 5.5 CTC होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे राउंड वन के सिलेबस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, किस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या सेक्शंस होंगे, तो वैसे यहाँ पे आपके टोटल 4 सेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं राउंड वन के लिए, जो कि आपका 3.25 CTC है। अगर आपने 3.25 CTC के लिए, अगर आपका CTC 3.25 है तो आपका राउंड वन का सिलेबस यहाँ पे आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं। हम सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे ईच सेक्शन में। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। सो इसके आपका क्वांट्स होगा, क्वांट्स में आपके मैथ के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 12 क्वेश्चंस। एंड 12 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है 15 मिनट में। आपकी इसकी टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट, आपको 12 क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व करना होगा। अगर हम बात करें नंबर टू सेक्शन की, जो आपका होने वाला है लॉजिकल एबिलिटी, कोई लॉजिकल रीजनिंग के, इसमें आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम होने वाले हैं 12 क्वेश्चंस। एंड इसको आपको सॉल्व करना है 15 मिनट में। अगर मैं बात करूँ फिर थर्ड सेक्शन की, जो आपका होगा इंग्लिश, जो कि आपका वर्बल एबिलिटी होता है इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश के सेक्शन में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं 12 क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करना है 15 मिनट में। तो गाइस, इसमें आपका टोटल होने वाला है 36 क्वेश्चन, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है उसमें आपके 36 क्वेश्चन होंगे, क्वांट्स लॉजिकल एंड इंग्लिश को मिला के। एंड आपका टोटल होगा 45 मिनट। ओके, उसके बाद जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे ओपन होता है, वो है ऐसे राइटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एप्टीट्यूड कर लिया ना, अगर आपने ऐसे को अच्छे से नहीं कर पाया, देन आपका राउंड वन क्लियर नहीं होगा। तो गाइस, आपको इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पे चेक होगा ऐसे राइटिंग में। वैसे इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से ऐसे राइट करना है, वहाँ पे जो आपका एक ही टॉपिक होगा कोई, जिसको आपको राइट करना होगा 15 मिनट में। ओके, तो गाइस, यहाँ पे ऐसे को आपको राइट करना है 15 मिनट में। इसका कुछ वर्डिंग की यहाँ पे लिमिट भी आपको दे रखी होती है, कि आपको 200 से 300 वर्ड में कुछ ऐसे राइट करना होता है। एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, मतलब प्रॉपर आपको ग्रामेटिकल की मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश आपकी वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आपका रिटन कम्युनिकेशन का टेस्ट वहाँ पे होता है ऐसे राइटिंग में। तो गाइस, इस पे भी आपको फोकस करना है ऐसे राइटिंग में, जो आपका एक ही टॉपिक हुआ, 15 मिनट में आपको वहाँ पे ऐसे को राइट करना है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, इस बार क्या है, टेक महिंद्रा में नेगेटिव मार्किंग भी है। यस गाइस, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो आपको वो करना है कि आपको सारे आंसर्स यहाँ पे राइट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है इस बार, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा सिलेबस अपडेटेड है, कंपनीज की हायरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग बना दिया है, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपके टफ हो सकते हैं, मीडियम लेवल टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड में भी। सो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है अच्छे से। ओके, सो ये हो गया आपका राउंड वन का सिलेबस। हम नेक्स्ट वीडियोस में इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इंटरव्यू टेक्निकल, HR एंड राउंड टू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।